नमस्कार, मैं हूं नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज में। सूरत के सिटेलाइट पर आए तेरा पंथ भवन में भक्तामर स्त्रोत पर आधारित एक आध्यात्मिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। रोज करीब 500 से भी अधिक लोग भक्तामर स्त्रोत के अभ्यास के लिए तेरा पंथ भवन में आते हैं। मुनि श्री मान दुंगाचार्य रचित भक्तामर स्त्रोत में बड़े से बड़े असाध्य रोग से भी राहत दिलाने की क्षमता है। श्री अर्चना जैन जी पिछले कई वर्षों से भक्तामर की साधना कर रही हैं और इसके माध्यम से कई लोगों को रोग से मुक्त कराने में सफल रही हैं। इन्होंने श्लोक 6 और श्लोक 45 के जरिए युवा पीढ़ी को भक्तामर से जोड़ने का प्रयास भी किया है। श्री अर्चना जी का कहना है कि भक्तामर के माध्यम से जन्म जन्मांतर के पापों को क्षीण किया जा सकता है। मैं डॉक्टर अर्चना जैन नागपुर से हूँ। मैंने भक्तामर में और पिंडस्थ ध्यान और कसाय को लेकर PhD किया है डॉक्टर मंजू जी के अंडर में। 2 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ। मुझे ट्रिमेंडियस रिजल्ट इसके मिले हुए हैं। पावर ऑफ मंत्र, एक एक मंत्र में कितना पावर है। अभी समय शिखर जी में हमने इसके एक एक वर्ड पे एक एक अर्घ चढ़ाया 2688। हर एक सांस में इसे बोलना पड़ता है। इससे हमारे रोगों का निदान होता है। 48 श्लोक है इसके, 48 टूल्स, मैजिकल है बिल्कुल। एक एक श्लोक में इतना पावर है। पहले नंबर श्लोक से क्या होता है कि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही, कई लोग कहते हैं हम काम कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा, यानी क्या हो रहा है, उन्हें बाधाएं आ रही हैं, वो बाधा का निवारण फर्स्ट नंबर श्लोक से होता है। जय जिनेंद्र। तेरा पंथ परिषद सूरत हमारे क्रमठ अध्यक्ष संजय जी भैसाली के नेतृत्व में त्रिदिवसीय भक्तामर कार्यशाला का आयोजन आज दूसरा दिन बहुत ही शानदार रूप से चल रहा है और मैं इसका संयोजक जिनेश संकलेचा जो इस कार्यक्रम की पूरी देखरेख कर रहा हूँ। कार्यक्रम से लोगों को बहुत लोगों में उत्साह है कि ऐसे कार्यक्रम हर साल होने चाहिए और कार्यक्रम में हर श्लोक से मंत्रों से बीमारी का बहुत ही इजी वे से इलाज हो रहा है। कार्यक्रम रखने से हमको ऐसा लग रहा है कि अगले साल इससे भी 4 गुना पब्लिक यहाँ आने वाली है। इतना शानदार आयोजन रखा है और इतना शानदार व्यवस्थित प्रोग्राम किया है हम लोगों ने, तो हर एक आने वाले को एकदम तसल्ली से मंत्रों का जाप हो रहा है उनके।